dear students, I am Vaishali, is Lego trainer. Welcome to my YouTube channel, New Urban Computer Classes. So, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें, जिससे मेरी जितनी भी वीडियो अपलोड होती है उसका नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलता रहे। तो गाइस, आइए स्टार्ट करते हैं आज की जो हमारी क्लास है, उस क्लास में हम सीखेंगे यूज ऑफ ट्राई टू। ट्राई टू का यूज हम कैसे करते हैं और कहाँ करते हैं, और अगर हम ट्राई टू का यूज कर भी रहे तो उसका आंसर किस तरह से देंगे, इस प्रकार हम ट्राई टू का यूज सीखेंगे। देखिए, स्टार्ट करते हैं ट्राई टू का यूज। ट्राई टू मतलब कोशिश करना, ओके, कोशिश करना। एग्जाम्पल देखो, हमारा जो क्वेश्चन होगा वो हमारे लाइफ टाइम के बेस पर ही होगा। ड्यू यू स्पीड ऑन द रोड, क्या तुम सड़क पर थूकते हो? हमें किसी से कहना है भाई, क्या तुम सड़क पर थूकते हो? इंग्लिश में बोलेंगे ड्यू यू स्पीड ऑन द रोड, Do you spit on the road? ठीक है, ये तो हमें आता है। Do you से तो हमने काफी क्वेश्चन कर लिए। Suppose that आपसे ही किसी ने पूछे Do you spit on the road? तब आप उसको किस तरह से आंसर दोगे? थूकते हो नहीं, अब डायरेक्ट ये बना कर जो थूकते ही नहीं हो। अब तभी हमें ये कहना है, कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि ना थूकूं। मैं कोशिश करता हूँ कि सड़क पर ना थूकूं, लेकिन कभी कभी हो जाता है जो काम मतलब हमारे बस में नहीं होता है। ठीक है ना, जो काम हम अक्सर कर देते हैं बस में नहीं होता है, कभी कभी कर ही देते हैं वो काम। वो जो सेंटेंस को हम ऐसे कहेंगे, आई ट्राई नॉट टू स्पिट ऑन द रोड, आई ट्राई नॉट टू स्पिट ऑन द रोड बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। आई ट्राई नॉट टू स्पिट ऑन द रोड, मैं कोशिश करता हूँ कि सड़क पर ना थूकूं, बट लेकिन समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। समटाइम्स आई कांट हेल्प इट मतलब कि वो कभी कभी हो ही जाता है। ठीक है, कि वो मेरे बस में नहीं है, मेरे बस में नहीं है वो चीज, हो ही जाता है। ठीक है ना, अब तो हम किस तरह से बोलेंगे, नो आई ट्राई नॉट टू स्पिट ऑन द रोड बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, कि मैं कोशिश करता हूँ सड़क पर ना थूकूं, लेकिन कभी कभी थूक देता हूँ या कभी कभी हो जाता है मेरे से। जो चीज हमारे बस में नहीं होती उस चीज के लिए हम किस तरह से बोलेंगे, बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। ठीक है, या कांट मिस कर सकता हूँ, या हेल्प मिस मदद करना, इस तरह से आपको मीनिंग भी निकालेंगे इसका। बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट इस पूरे का ही मतलब हो गया कि वो कभी कभी हो जाता है। ठीक है, आप देखिए, ये तो हमने सेकंड पर्सन से क्वेश्चन कर लिया, आंसर भी पता चल गया। ठीक है, अब हमें किसी थर्ड पर्सन से करना है, ओके, थर्ड पर्सन से करना है तो हम किस तरह से कहेंगे, डज योर ब्रदर स्पिट ऑन द रोड, डज योर ब्रदर स्पिट ऑन द रोड, क्या तुम्हारा भाई सड़क पर थूकता है? डज योर ब्रदर स्पिट ऑन द रोड, ओके, क्या तुम्हारा भाई सड़क पर थूकता है? तो हम डच से क्वेश्चन करा, ये योर ब्रदर जो है वो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन है इसलिए हमने डच से क्वेश्चन कर दिया है, ओके। लेकिन इसका आंसर किस तरह से होगा, नो ही डज नॉट ट्राई टू स्पिट ऑन द रोड, नो ही डजंट ट्राई टू स्पिट ऑन द रोड, नहीं वह कोशिश तो नहीं कर, वह कोशिश करता है कि सड़क पर ना थूके, ही डजंट ट्राई टू, या फिर हम इसको ये बोल लेते हैं ही ट्राई नॉट टू। ही ट्राई ही ट्राई नॉट टू स्पीड ऑन द रोड, क्या बोल दो, ही डजंट ट्राई टू स्पीड ऑन द रोड, ही डजंट डज नॉट ट्राई टू स्पीड ऑन द रोड बट समटाइम्स he can't help it, यहाँ I की जगह हमें he कर देना है, but sometimes he can't help it, जैसे हमने यहाँ I बोला था वैसे हम यहाँ पर he बोल देंगे। लेकिन no he does not try to spit on the road, वे कोशिश करता है सड़क पर ना थूके, but sometimes he can't help it, लेकिन कभी कभी उससे हो जाता है, या हमें डायरेक्टली मना करना है वो करता ही नहीं इस काम के लिए, तो हम बोल देंगे he doesn't do it, he doesn't do it, वो करता ही नहीं है इस काम के लिए। तो रिएक्शंस देखते हैं, उस फर्स्ट सेक्शन है हमारी डू एक्सरसाइज डेली, डेली एक्सरसाइज करना। ठीक है, हम बोलेंगे डू यू डू एक्सरसाइज डेली, डू यू डू एक्सरसाइज डेली, एक तो हमारी डू, ये तो हमारे टाइम वर्ड के फॉर्म में आ रहा है, और ये डू दो ही हमारी एक्शन है, दोनों का यूज करेंगे। डू यू डू एक्सरसाइज डेली, हाँ, तो आई ट्राई टू, अब हम पॉजिटिव कहना है कि मैं कोशिश तो करती हूँ डेली एक्सरसाइज करूँ, लेकिन कभी कभी रह जाती है, कभी कभी हम नहीं कर पाते, तो हमें कहना है यस आई ट्राई टू, यहाँ से हम जो नॉट है हमारा ये नॉट उठा देंगे, कि हमें पॉजिटिव आंसर देना है तब, यस आई ट्राई टू डू एक्सरसाइज डेली, आई ट्राई टू डू
एक्सरसाइज डेली, बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, ये पूरा सेम। बस यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि नॉट नेगेटिव आंसर देना है तो ट्राई और टू के बीच में नॉट ऐड कर देना है, पॉजिटिव आंसर देना है तो नॉट को बिल्कुल हम बिल्कुल हटा देंगे। सिंपल बोलेंगे आई ट्राई टू डू एक्सरसाइज डेली बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, मीन्स मैं कोशिश करती हूँ डेली एक्सरसाइज करूँ लेकिन कभी कभी रह जाती है, नहीं हो पाता है, मिस हो जाती है कभी कभी। ठीक है, थ्रो द ट्रेस इन योर कॉलोनी, अपनी कॉलोनी को मैं गंदगी करना, आपने कोई चिप्स खाया और उसका खाली पैकेट वहीं फेंक देना, तो ये होता है थ्रो द ट्रेस इन योर कॉलोनी। मिस योर क्लास, अपनी क्लास मिस करना। आस्क योर प्रॉब्लम्स, अपनी परेशानियां पूछना। रिवाइज प्रीवियस वर्क, अपना प्रीवियस वर्क को रिवाइज करना, दोहराना। कम रेगुलरली, नियमित आना। टेक अ बाथ डेली, प्रतिदिन नहाना। क्या लगाए, झूठ बोलना। कंप्लीट योर होमवर्क डेली, प्रतिदिन अपना होमवर्क पूरा करना। लिटर द पब्लिक प्लेस, पब्लिक प्लेस को गंदा करना। इस तरह से हम ये जितने भी एक्शन है डू यू से क्वेश्चन करेंगे और अपनी एक्शन ऐड कर देंगे। और नेगेटिव आंसर देना है तो आई ट्राई नॉट टू, और पॉजिटिव देना है तो आई ट्राई टू, फिर एक्शन ऐड कर देंगे और इतना तो हमारा ये फॉर्मल चलेगा। पॉजिटिव हो या नेगेटिव हो इतना तो हमें सभी में ऐड करना है। बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, कभी कभी वो रह ही जाता है। आप पॉजिटिव देंगे फिर भी यही बोलेंगे, नेगेटिव बोलेंगे फिर भी आप यही बोलेंगे। देख लीजिए, डू यू मिस योर क्लास, क्या तुम अपनी क्लास मिस करते हो? नेगेटिव देना, भाई कोशिश तो आप ये करते हो, नहीं करें। तो आई ट्राई नॉट टू मिस द क्लास बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, मैं कोशिश करता हूँ मैं क्लास मिस ना करूँ लेकिन कभी कभी हो जाती है। ठीक है, तो बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। ओके, ये देखिए, कम रेगुलरली, डू यू कम रेगुलरली, आप कोशिश तो नहीं करते हो डेली आओ, तो पॉजिटिव देंगे इसका आंसर हम। आई ट्राई टू कम रेगुलरली बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट, ये मतलब है हमारा इतना तो हमारा सेंटेंस, ये हमारा कॉमन आ रहा है इतना सेंटेंस तो, बट समटाइम्स आई कांट हेल्प इट। यही बस आपको यह नॉट लगाना है और हटाना है, और अपनी जो एक्शन आपसे पूछी जा रही है वो यहाँ पर आपको एड कर दी है। इसी प्रकार हम दस से क्वेश्चन कर लें थर्ड पर्सन के लिए और उसकी तरह भी हम आंसर दे सकते हैं। तो इस प्रकार हमने ट्राई टू का यूज सीख लिया है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो, पसंद आई तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें।